नमस्कार, मैं जया सिंह, सहायक अध्यापिका केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ में दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले भाग में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की थी, आइए एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, इसके विषय में मैंने आपको बताया था। फिर आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, आप ये क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, कृषि, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र, इसके अंतर्गत आपके उद्योग धंधे या जो फैक्ट्री लगाई जाती है। और तृतीयक क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैसे एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसके बारे में हमने जाना था। फिर इन तीनों ही क्षेत्रों की हमने तुलना पढ़ी थी और इन क्षेत्रों में क्या ऐतिहासिक परिवर्तन आए थे, इनको जाना था। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व को समझा था और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को रोजगार कैसे प्राप्त हुआ, इसको जाना था। बच्चों, आज हम जिन बिंदुओं को पढ़ेंगे, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है मनरेगा, जिसे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्र। तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। और लास्ट में सारांश, जो हमारे पाठ के लास्ट में दिया गया है। आइए बच्चों, अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक की शुरुआत में सबसे पहले हम मनरेगा की चर्चा करेंगे। मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा गया। बच्चों, ये चित्र आप देख रहे हैं और इनके विषय में मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जान रहे हैं ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और इन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम आगे चलकर मनरेगा पड़ा था। बच्चों, जब मनरेगा की शुरुआत हुई थी तो इसे हम नरेगा के नाम से जानते थे, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। और वर्ष 2005 में इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। 2 फरवरी 2006 को इस योजना को शुरू किया गया और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर और श्रमिक रहते हैं, जिनके पास रोजगार की कमी होती है, उनको समय समय पर रोजगार उपलब्ध कराना। आगे चलकर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, आइए हम उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में रोजगार के 100 दिन की गारंटी देना है। यानी कि जिन क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता कम है, उन क्षेत्रों में सरकार द्वारा ये गारंटी दी जाती है। बच्चों, ये तो बात हो गई नॉर्मल क्षेत्रों की। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया या फसल खराब हो गई, तो वहां पर 150 दिनों के रोजगार की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। दूसरी विशेषता देखिए, यह योजना अनुसूचित जाति, जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये योजना जो है उनको भी सुरक्षित करती है ताकि वे अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। 15 दिन के भीतर मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को या मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, इसे काम का अधिकार भी कहते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ग्राम पंचायतें होती हैं और ग्राम पंचायतें इन श्रमिकों या मजदूरों का रोजगार कार्ड बनाते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका सत्यापन करना होता है और फिर उनका पंजीकरण कराया जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। फिर ये कार्ड उनको मिल जाता है और इस कार्ड के माध्यम से वो रोजगार प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। बच्चों, अब हम अपने दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है संगठित और असंगठित क्षेत्र। लेकिन उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने ले आना चाहूंगी और ये कहानी आपकी बुक से ही है। ये कहानी कांता और कमल की है। आप अपने बुक में देखेंगे कि कांता जो है एक ऑफिस में काम करती है और वो सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाती है और शाम को 5:30 बजे तक अपने ऑफिस में रहती है। आप ये चित्र देख सकते हैं कि कांता कितने आराम से ऑफिस में बैठ के अपनी ड्यूटी कर रही है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन भी प्राप्त करती है। इसके अलावा उसे सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त होती है और उसे चिकित्सीय सुविधाएं, इसके अलावा भी अन्य तरह के भत्ते भी प्राप्त होते हैं। वह संडे को अपने ऑफिस नहीं जाती है लेकिन फिर भी उस दिन का वेतन उसे मिलता है। इसके अलावा जब उसने अपनी नौकरी प्रारंभ की थी तब उसे उसके नियोक्ता ने एक नियुक्ति पत्र दिया था
और उस नियुक्ति पत्र में उसकी नौकरी से संबंधित शर्त और निबंधन थे उनका उल्लेख किया गया था। लेकिन ठीक उसके विपरीत जो उसका पड़ोसी है कमल, वो एक दुकान में काम करता है और वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता रहता है। आप इन दोनों ही व्यक्तियों की तुलना कर लीजिए तो देख लीजिए कि एक सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक ऑफिस जा रहा है और दूसरा जो है सुबह 7:30 से रात के 8 बजे तक काम कर रहा है। इसके अलावा देखिए कमल जो है उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस तरह से लास्ट में कांता को वेतन मिलता है, लेकिन कमल के साथ ये है कि जिस दिन वो काम करेगा उसी दिन की मजदूरी उसे प्राप्त होगी, और जिस दिन वो बीमार पड़ गया या कोई उसे घर का आवश्यक काम पड़ गया और वो दुकान पर नहीं गया तो उसकी मजदूरी काट ली जाती है। इसके अलावा उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है, यानी जब वो दुकान पे काम करने गया तो कोई उसको दुकानदार का जो मालिक था उसको कोई लेटर नहीं देता है कि आपको यहाँ पर काम करना है और इन नियमों का पालन करना है। उस दुकान में नियुक्ति के बारे में कुछ कोई जानकारी नहीं दी गई है और उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है, यानी इसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। आज अगर दुकानदार को उनका काम पसंद आ रहा है तो वो उससे काम करा रहे हैं, और अगर कल को काम पसंद नहीं आता है तो उसे काम से हटा देंगे। तो ये तो हो गई बच्चों कांता और कमल की कहानी, और इसी कहानी के माध्यम से मैं आपको संगठित और असंगठित क्षेत्र के विषय में बताऊंगी। बच्चों अब हम संगठित और असंगठित क्षेत्र को समझेंगे। आपने कांता और कमल की कहानी को देखा, कांता एक निश्चित समय पर ऑफिस जाती है, उसको एक निश्चित समय पर वेतन मिलता है और सवेतन छुट्टी भी मिलती है। जिस दिन वो अपने ऑफिस नहीं जाती है उसके वेतन में कोई कटौती नहीं होती है और सरकार द्वारा कई सुविधाएं भी मिलती हैं। इन्हीं के संदर्भ में हम संगठित क्षेत्र को जानेंगे। जैसे संगठित क्षेत्र क्या कहते हैं, आइए इसके अर्थ के विषय में हम चर्चा करें। जहाँ रोजगार की अवधि नियमित और सुनिश्चित होती है संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों के कुछ औपचारिक नियम होते हैं, जैसे ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी इनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और इन क्षेत्रों को कुछ नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये नियम और विनियम जिसे हम रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, और वो सारे नियम सरकारी होते हैं, यानी सरकार के जो भी नियम हैं इन्हें पालन करना अनिवार्य होता है, और इस नियम का पालन चाहे वो नियोक्ता हो चाहे वो कर्मचारी हो सभी एक समान करेंगे, कोई इन नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता है। इसी के संदर्भ में अनेक विधियां हैं, जैसे देखिए कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में इन नियमों का उल्लेख किया गया है। बच्चों संगठित क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के साथ ही साथ यदि उनसे निश्चित समय से अधिक काम दिया जाता है तो उस संस्थान का जो नियोक्ता है इन कर्मचारियों को घंटे के आधार पर अतिरिक्त भुगतान भी करता है, यानी अगर उनसे ओवरटाइम कराया जाता है तो उन्हें अतिरिक्त पैसा भी दिया जाता है। इसके अलावा प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे जो उनको मेडिकल या चिकित्सकीय लाभ दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें पेयजल की सुविधा और शौचालय या स्वच्छता की सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है। इस क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की भी सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे आपने देखा कि कांता को भविष्य निधि भी प्राप्त है और इसके अलावा पेंशन की सुविधा भी उसे प्रदान की गई है। संगठित क्षेत्रों में भी कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि वह स्वतः काम करते हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ औपचारिक नियम हैं जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ता है, और सबसे पहले उन्हें अपना पंजीकरण सरकार के समक्ष कराना होता है। जैसे इस तरह के क्षेत्रों में एनजीओ हो गए, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि हैं। एनजीओ से आप सभी परिचित हैं। एनजीओ को इंग्लिश में हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन। और इससे संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। बच्चों के लिए आपने क्राई का नाम सुना होगा, ये भी एक एनजीओ है। महिलाओं के लिए आपने केयर का नाम सुना है, ये भी एक संस्था है जो महिलाओं के विकास और महिलाओं की सहायता के लिए कार्य करती है। और फिर आपने बुजुर्गों के लिए हेल्प एज नामक संस्था का नाम सुना है। ये सारे एनजीओ सरकारी नियमों का पालन करते हैं और उन्हें अपने कार्य को रूप देने से पहले सरकार के समक्ष पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान, जैसे आप गारमेंट शोरूम देखते हैं,
ज्वेलरी के शोरूम होते हैं या फिर आप गाड़ियों के भी शोरूम होते हैं, इनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपने ये कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं। बच्चों आइए अब हम असंगठित क्षेत्र की बात करें। आप ये पिक्चर देख रहे हैं और इस पिक्चर के माध्यम से ही मैं आपको असंगठित क्षेत्र के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो मजदूर होते हैं या श्रमिक होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। आपने अभी कमल और कांता की कहानी पढ़ी, कमल जो एक दुकान में काम करता था और आपने देखा कि उसके काम करने की कोई निश्चित अवधि नहीं थी और जो उसका नियोक्ता था यानी जो उसका दुकान का मालिक था वो उससे जैसा चाहे वैसा काम ले सकता था और वो मना नहीं कर सकता था। अगर वो दुकान पर नहीं जाता है तो उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती थी। इसके अलावा इन्हें किसी भी नियम और विनियम का पालन करना अनिवार्य नहीं था। आपने संगठित क्षेत्र में देखा कि नियमों का पालन करना नियोक्ता के साथ साथ ही जो उनके कर्मचारी थे उनके लिए भी जरूरी था, लेकिन यहाँ पर किसी नियम और विनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर होते हैं उनको कम मजदूरी भी मिलती है, आप कमल का उदाहरण हमेशा याद रखेंगे, और इनके जो रोजगार होते हैं अनियमित होते हैं यानी इनका जो मालिक होता है वो कभी भी इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के इनके पद से हटा सकता है और दूसरे मजदूर की नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा अगर ये अतिरिक्त काम करते हैं तो इसका भुगतान भी उस मालिक के इच्छा पर ही निर्भर है। इसके लिए ये लोग दबाव नहीं डाल सकते कि मैंने अतिरिक्त काम किया है तो आप उसका भुगतान करें। जैसा कि आपने संगठित क्षेत्र में कांता के विषय में पढ़ा कि कांता जब अतिरिक्त काम करती थी तो उसका नियोक्ता जो है उसे अतिरिक्त भुगतान भी करता था, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा इन्हें सवेतन छुट्टी नहीं मिलती है यानी जिस दिन ये अपने काम पर नहीं जाएंगे उस दिन का मजदूरी या वेतन इन्हें प्राप्त नहीं होगा। इसमें अधिकांश लोग छोटे छोटे कार्य करते हैं, जैसे सड़क पर आपने आसपास देखा होगा जो रेहड़ी दुकानदार होते हैं जो ठेला लगा के बैठते हैं या पटरी पर बैठकर दुकानदारी करते हैं, आप ये चित्र देख रहे हैं। जैसे सड़क पर विक्रय या मरम्मत कार्य में ये लोग स्वतः नियोजित होते हैं यानी अपना काम ये लोग खुद करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। इसके अलावा जो किसान होते हैं खेतों में काम करते हैं, अगर खेतों में काम नहीं है जो मौसमी फसल को उपजाते हैं अगर खेतों में काम नहीं है तो वो मजदूरी का भी काम कर लेते हैं या आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों को अपने खेतों में भी काम देते हैं। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों के विषय में चर्चा किया। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपसे बताना चाहूंगी और ये पॉइंट्स एक तरीके से इन दोनों ही क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हैं। जैसे आपने कमल और कांता की स्टोरी को सुना उसमें आपने देखा कि कांता कितने ही आराम से अपनी नौकरी कर रही है, वह एक निश्चित समय पर ऑफिस पहुंचती है और उसको सारी निश्चित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उस नियोक्ता क्षेत्र के द्वारा और उसका भविष्य भी वहां पर सुरक्षित हो गया है। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं होती क्योंकि तमाम तरह की सहायता उस क्षेत्र से उसे प्राप्त होती है। लेकिन कांता के अपेक्षा कमल की जो कहानी है वो थोड़ी अलग है। कमल बहुत मेहनत से अपने दुकान में काम करता है लेकिन वो अपने भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका जो मालिक है जब तक उसे उसकी ज़रूरत है तब तक वो उससे काम ले रहा है और जैसे ही उसकी ज़रूरत खत्म होगी वो उसको काम से हटा देगा। एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो उसके मन में हमेशा ये भय बना रहता है कि अगर उसके पास रोजगार नहीं होगा तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन करेगा। और यही दो मुख्य बातें हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कि एक में भविष्य सुरक्षित है और दूसरा जो है रोज अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है और परेशान है। जो अगला टॉपिक है हमारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे, यानी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको किस प्रकार सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि उनकी रोजगार की जो है गति वो नियमित रहे। तो सबसे पहले हमें कृषि के अतिरिक्त रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। वे वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं? देखिए जैसे लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, आप ये चित्र देख सकते हैं जहाँ पर ये डलिया बनाना है, सिलाई का काम करना है, इस तरह के उद्योग धंधों को गांव में बढ़ाया जा सकता है। शहरों में भी लघु उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन हेतु सरकारी मदद की जरूरत पड़ती है, विपणन यानी मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट संस्थान होते हैं वहां से इन लघु उद्योगों को समर्थन और सहयोग मिलना आवश्यक है।
बच्चों इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो नए शब्दों पर चर्चा करेंगे, लघु और कुटीर उद्योग। लघु और कुटीर उद्योग को बताने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी। लघु उद्योग अर्थ आप लोग समझते होंगे, लघु मीन्स छोटा। तो ये लघु उद्योग बच्चों बहुत ही छोटे स्तर पर जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाती हैं, जो फैक्ट्री छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, वो लघु उद्योग होते हैं। और इन उद्योगों को सरकारी सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो उत्पादन कार्य होता है उसके लिए मशीनरी का यूज किया जाता है और इसमें हम श्रमिकों को रखकर भी उत्पादन कार्य करा सकते हैं। अब आती है बच्चों कुटीर उद्योग की बात। कुटीर उद्योग ये स्थानीय स्तर पर होते हैं। आपने अपने गाँव में या अपने शहर के मोहल्लों में देखा होगा कि जो बड़े ही सुनार लोहार होते हैं वो घरों पे ही कुछ ना कुछ अपना काम धंधा करते रहते हैं, तो वो उनका जो है कुटीर उद्योग कहलाता है। और इसमें उन्हें किसी बाहर के भी श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके घर के परिवार के सदस्य ही काफी होते हैं इन कार्यों को करने के लिए। अपने आवश्यकता की पूर्ति के जो भी साधन होते हैं स्थानीय स्तर पर ही मिल जाते हैं, यानी इन्हें किसी जबरदस्ती का टेक्नोलॉजी या कोई नई मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे वर्ष रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कुछ योजनाओं का पालन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए सड़कों और स्कूल भवनों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई और अन्य समान कार्य जैसे अस्पताल का निर्माण हो गया, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जन कल्याण कार्यों को क्रियान्वित कराते रहना चाहिए। आप ये चित्र देख रहे हैं कि हर गांव में स्कूल बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसके अलावा सड़कों पर भी हमेशा काम कुछ न कुछ लगा ही रहता है, तो इन सब कार्यों को निरंतर चलते रहना चाहिए। इसके अलावा सरकार को श्रमिकों को अनिवार्य बीमा भी देना चाहिए। ये अनिवार्य बीमा इनके आर्थिक और सामाजिक जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। बहुसंख्यक श्रमिक जो होते हैं वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से होते हैं और इनके साथ खुलकर तो नहीं अब, लेकिन कुछ न कुछ सामाजिक भेदभाव किया ही जाता है। इसलिए इन श्रमिकों को बीमा देने से इनका सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो है जीवन ऊंचा उठाया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संपत्ति पर किसका नियंत्रण होता है और कौन इसका वितरण करता है। इसके अंतर्गत भी क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में बात करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें बच्चों संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार ही सेवाएं उपलब्ध कराती है। आपने अपने गांव में भी या अपने शहर में भी देखा होगा कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, इसके अलावा भारतीय रेलवे, डाकघर, सरकारी बैंक आदि आश्रम के माध्यम से समझने का प्रयास करिए जो ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं जो सरकार के अंडर में होते हैं। जैसे भारतीय रेल हो गया, भारतीय डाकघर, पोस्ट ऑफिस और सरकारी स्कूल आदि हैं जो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर बताएं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का उद्देश्य जन कल्याण करना होता है, ना कि लाभ कमाना। ये जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो सभी के लिए होती हैं और सभी को इसमें समान अवसर भी प्रदान किया जाता है। लेकिन जो सेवाएं सरकार देती है उनके बदले में कुछ न कुछ भुगतान हमें उन्हें करना ही पड़ता है, चाहे वो हम इनकम टैक्स के रूप में दें या जो वस्तुओं पर जीएसटी आदि लगाकर सरकार अपना व्यय वसूल ही लेती है। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, इसमें क्या होता है बच्चों कि व्यक्तियों या निजी कंपनियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी होती है, यानी इसमें सरकारी संस्थाएं नहीं होती हैं, इसमें एक व्यक्ति या एक कंपनी इसके लिए जिम्मेदार होती है। टाटा टिस्को जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व का उदाहरण है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ कमाना उद्देश्य नहीं था, उनका था उद्देश्य कि जन कल्याण, अधिक से अधिक लोगों का भला हो, लेकिन यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें एकल स्वामियों व कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आजकल मोबाइल हम और आप यूज करते हैं, तो मोबाइल को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग तरह तरह के पैक्स खरीदते हैं, अपने मोबाइल को हमेशा अपडेट रखते हैं कि कब क्या जरूरत पड़ जाए, लेकिन अपडेट करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ भुगतान करना ही पड़ता है और इन कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है। बच्चों अगला हमारा टॉपिक है निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन दोनों ही क्षेत्रों की आपस में निर्भरता के विषय में जानेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जरूरत समाज के हर सदस्य को होती है, लेकिन निजी क्षेत्र उसको उचित दाम पर उपलब्ध नहीं करा पाते क्योंकि उसकी उपलब्धता में इतना खर्चा होता है कि जो उनकी क्षमता से बाहर होता है।
जैसे वो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, जिसे हम आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं वो है, आप इस क्षेत्र के माध्यम से इन्हें आप समझेंगे। इसके अंतर्गत हम बता रहे हैं आपको, जैसे परिवहन के साधन हो गए, बिजली, संचार, भारी उद्योग, पत्तन का निर्माण, पत्तन जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, इसके अलावा पुल और सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइनों को बिछाने की जो प्रक्रिया होती है, और बांधों और नहरों का निर्माण। इन सभी कार्यों के लिए निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र की मदद की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लघु उद्योग खोले जाते हैं और रोजगार के साधनों को बढ़ावा दिया जाता है, और इसके लिए निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये लघु उद्योग खुलते हैं उनमें उत्पादन के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, और निजी क्षेत्र बिजली के लिए सरकार पर डिपेंड होती है, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों पर डिपेंड होती है, और ये सार्वजनिक क्षेत्र जो एक निश्चित दर होती है उस पर ये बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लघु उद्योग एक उचित दर पर उत्पादन करते हैं और फिर एक निश्चित दर पर उपभोक्ताओं तक बाजार में पहुंचाते हैं, और वो सामान या वस्तु जो है हमें बहुत ज्यादा महंगी नहीं मिलती है, एक निश्चित दर पर प्राप्त हो जाती है। खाद्यान्न किसानों का समर्थन करना और कम कीमत पर अनाज की आपूर्ति करके गरीब लोगों का समर्थन करना। इसके उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों क्या होता है, जब किसान खेतों में गेहूं या चावल पैदा करते हैं तो सरकारी जो दुकान होती है वो उनसे गेहूं और चावल एक निश्चित दाम पर खरीदती है, और पहले इन सारे अनाजों को एक जगह स्टोरेज कराया जाता है, उसके बाद एक निश्चित दर पर सरकार अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है, जिससे क्या होता है कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनको आराम से अनाज या खाद्यान्न की उपलब्धता प्राप्त हो जाती है। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना। बच्चों, अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिन पर खर्च करना या व्यय करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। जैसे देख लीजिए, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित आप देख रहे हैं कि हर जगह स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है, तो गांव में जगह जगह पर शौचालय खुलवाए जा रहे हैं, और स्वास्थ्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने के लिए सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए गए हैं, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ते दरों पर चिकित्सा की भी सुविधा प्राप्त हो सके। बच्चों, लास्ट में हमारा एक टॉपिक है सारांश, यानी कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विषय में जाना था, और सकल घरेलू उत्पाद के विषय में जाना था। पिछले 30 वर्ष के आंकड़े मैंने इसके पिछली कक्षा में आपको उन आंकड़ों को दिखाया था। वे आंकड़े ये बताते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र को में ही मिलता है। रोजगार के जो साधन होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि कृषि जो है, और हमारा देश जो है कृषि पर ही आधारित है, तो ज्यादातर रोजगार हमें कृषि पर ही मिलते हैं। समय के साथ साथ तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ता गया। इसके अलावा देश में रोजगारों के अवसर की वृद्धि के लिए उपाय मैंने बताया, जिसमें आपने मनरेगा के विषय में जाना, और संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के तौर तरीकों के विषय में जाना, जो नियम और कानून होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के विषय में बताया। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से ये क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के सहयोग से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, आज ही आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, और इस चैप्टर से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आप अपने नोटबुक में करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, नरेगा की शुरुआत कब हुई और अब इसे किस नाम से जानते हैं। मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया आपको मनरेगा के विषय में। दूसरा क्वेश्चन है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में पाया जाता है। संगठित क्षेत्र में मैंने आपको कांता और कमल की स्टोरी सुनाई और कांता के विषय में बताया, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको वहीं से प्राप्त हुआ है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है आपका, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न के संबंध में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी। जब आपने संगठित और असंगठित क्षेत्र पढ़ा और मैंने कमल और कांता की कहानी आपको सुनाई, उसी के अंतर्गत आप देखा होगा कि किस तरह से संगठित क्षेत्र में जो कांता नौकरी कर रही है वो कितना सुरक्षित महसूस करती है, और कमल जो है वो हमेशा एक दबाव में रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, और तमाम तरह की परिस्थितियों को वो झेलता हुआ अपना
जीविकोपार्जन कर रहा है। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि इन्हें अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से क्या मदद मिलनी चाहिए और किसके अलावा जो इनके नियोक्ता क्षेत्र होते हैं यानी जिन मालिक के यहाँ ये नौकरी करते हैं उनको भी कुछ ऐसे प्रावधान बनाने चाहिए ताकि भविष्य में जब इन्हें जरूरत पड़े पैसों की तो ये उस पैसे का उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सके। चौथा है स्वामित्व के आधार पर आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों के मध्य अंतर बताइए, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मध्य अंतर को आप लिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्रों का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है। धन्यवाद।